हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ, ये देखें फ्रेंड्स। इसको जेंट्स स्वेटर पे, बच्चों के स्वेटर पे, लेडीज कार्डिगन पे, जैकेट पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही इजी डिजाइन है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, और एजेस के लिए प्लस कर लेंगे तो आपका डिजाइन सेट आ जाएगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस डिजाइन को। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहने से नए डिजाइन। और अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला फंदा उतार लेंगे, ये हमारा एज स्टिच है। अगला फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागा दूसरी तरफ किया, एक फंदा हमने स्किप कर लिया, बिना बुने इसको उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करेंगे। अगले दो फंदे हम इस तरह से सीधे बना लेंगे। यही 4 फंदे हमने बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्किप किया, ये बीच में एक जाली है, और ये दो सीधे फंदे हैं। पूरी रो में हमने इसी को रिपीट करना है। एक बार फिर देखिए, उल्टा फंदा, स्किप करना है अगला फंदा, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे बना लें। इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो पे आगे हैं फ्रेंड्स। इस रो में फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए, ये पहला फंदा हमने उतार लिया, ये सीधा बना लिया, जो उस तरफ से हमने उल्टा बना रखा है एक फंदा। ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, एक और दो। ये जाली है, इसको स्किप कर लेंगे, और ये स्किप किया हुआ फंदा है, इसको भी हम स्किप कर लेंगे। ये दो हमने स्किप कर लेने हैं, धागा इधर करेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, जाली को स्किप करेंगे और स्किप किए हुए फंदे को स्किप करेंगे। इसी तरह से पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं, तो इस पे क्या करेंगे, देखिए, पहला फंदा उतार लिया एज स्टिच, उल्टा फंदे को हमने उल्टा ही बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्किप किया हुआ फंदा था, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब ये जाली है हमारे पास, तो क्या करना है, ये देखिए, यहां से ये फंदा बुनना शुरू करना है, जाली के अंदर से। इसको नहीं उतारना, फिर यहां से लेना है, तो इसको बना लेना। और अब ये दोनों को ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये फंदा हमने स्किप किया हुआ फंदा सीधा बना लेना है। ये जाली वाला फंदा देखने की जरूरत है, यहां से सिलाई डालेंगे हम ऐसे, और ये फंदा उतार देंगे, फिर जाली के अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे, तो एक और फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा उल्टा, ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये जाली वाला है, जो इसको इस तरह से उठाएंगे और अगला फंदा लेंगे, उसको ऐसे सीधा बना लेंगे, फिर जाली के अंदर से सिलाई डालेंगे, तो यहां से एक फंदा सीधा बना लेंगे। इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो पे आ गए। तो इस रो पे फ्रेंड्स एज इट इज जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा बना लेंगे, उल्टा फंदा उल्टा। ये सीधा दिख रहा है इसको सीधा, ये तीन फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। पूरी रो को हमने इसी तरह कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से इसको रिपीट करेंगे डिजाइन को, तो हमारा ऐसा डिजाइन बनता जाएगा। अब आप बनाइए और देखिए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।